हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस में वापस से आते हैं क्वेरी डिजाइन पर। तो क्वेरी डिजाइन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे देखिए, ये दो टेबल्स हमारे पास बनी हुई है, एक प्रोडक्ट की टेबल है, एक एम्प्लॉय की टेबल है। और अगर डेटाबेस टूल्स में जाते हैं और यहाँ रिलेशनशिप पर, तो यहाँ पर हम इसका रिलेशनशिप भी क्रिएट करा सकते हैं। तो दोनों टेबल को इस तरीके से ले लेना है। देखिए, दोनों टेबल यहाँ पर आ गई है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये रिलेशनशिप वाली विंडो को क्लोज करता हूँ, इन दोनों टेबल्स को क्लोज करता हूँ। यहाँ पर दोनों टेबल्स आप बना लेंगे, जब भी बनाएंगे तो एक फील्ड कॉमन रखेंगे, ठीक है। ये बात मैंने पहले से बताई है कि एक फील्ड आपको क्या करना है, कॉमन रखना। अब यहाँ पर आईडी है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी आईडी वाली फील्ड, यहाँ पर भी आईडी वाली फील्ड है, ठीक है। तो दोनों में एक फील्ड कॉमन है आईडी, ठीक है। अब इसी आईडी के थ्रू लिंकिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट पे डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, रिलेशनशिप पे जाएंगे और इन दोनों को यहाँ पे क्लिक करके ऐड करवा लेंगे। तो ये दोनों टेबल्स ऐड हो गई। अब यहाँ से इन दोनों को क्लोज करेंगे, तो ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आईडी को आईडी से लिंक करना है, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से इसको लिंक कर दिया। और लिंक करने के बाद इन तीनों पर टिक कर दीजिएगा। टिक करके क्या करना है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। अब जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या आ रहा है। अब ये परेशानी आपके साथ कई बार हो सकती है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये लिखा हुआ आ रहा है, रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स विद द सेम डाटा टाइप। तो ये बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, या शायद टीचर्स भी नहीं बताते, तो ये दिक्कत आती है। तो दोनों ही आईडी सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। तो अभी देखना पड़ेगा सेम डेटा टाइप है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेरी पे चलते हैं। तो यहाँ से डिजाइन भी आएंगे। देखिए, आईडी का जो डेटा टाइप है, यहाँ ऑटो नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे भी मैंने टेक्स्ट ही बना दिया है। ये जो आईडी फील्ड है, इसे भी मैंने टेक्स्ट बना दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आकर के इसे भी टेक्स्ट ही बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, इसे हटा करके यहाँ पे टेक्स्ट बना देंगे। बस हो गया काम, इतना ही करना है हमें। अब यहाँ पर क्या आएगा, आईडी आएगी। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो लिंक आसानी से आप करवा पाएंगे, ठीक है। सेम डेटा टाइप और सेम फील्ड्स हो गए, तो अब इसको लिंक करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाइए, इसको क्लोज कीजिए और यहाँ से डेटाबेस टूल्स पे जाकर, रिलेशनशिप पे जाकर इन दोनों टेबल्स को ऐसे लेकर के और यहाँ से लिंकिंग करवा दीजिए, ठीक है। तो ये आईडी को आईडी से लिंक करवा दीजिए और यहाँ पे तीनों पर टिक करके और ओके कर दीजिए, तो ये लिंक हो जाएगा। जब ये लिंक हो जाएगा तो यहाँ पर अब आपको प्लस का साइन दिखेगा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लस का साइन नहीं दिख रहा है मेरे में, तो प्लस का साइन भी दिखने लगेगा। तो ये तो लिंकिंग हो गई। अब क्वेरी कैसे बनाए, जैसे यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे यूनिट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल लाना है। तो टोटल लाना है तो ये प्रोडक्ट वाले टेबल में लाना है। तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट वाली टेबल ही हमें उठानी है। आप चाहे तो दोनों ऐड कर सकते हो, दोनों फील्ड्स एक में लेकर के एक नई क्वेरी के आधार पे फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आईडी ले रहा हूँ, फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, यूनिट, टोटल ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय तो ऑलरेडी आ चुका है, सैलरी ले लेते हैं। इतनी फील्ड्स हम ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल करके देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टोटल करेंगे, तो ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी कर दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, रन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही जो है क्वेरी लगा करके मैंने ये सारे फील्ड एक ही मिले के मैं आ गया हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। प्रो क्यू के नाम से सेव करता हूँ, प्रोडक्ट क्यू, प्रो क्यू क्वेरी है ये, तो क्यू कर दिया, ठीक है।